हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको नेक बनाना बताएंगे। तो इसके लिए मुझे बकरम की ज़रूरत होगी। मैंने ये हार्ड बकरम लिया हुआ है, इसको मैं इस टाइप से डबल में फोल्ड कर लूँगी। और हमें जो अपनी नेक की चौड़ाई चाहिए, जो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैं 4 ले रही हूँ, उससे हम 1 इंच ज़्यादा चौड़ाई में बकरम लेंगे। इस टाइप से जैसे मुझे 4 चाहिए है, तो मैं 5 पर इसको चौड़ाई में कट कर लूँगी। हमें इसको लेना है और इसी टाइप से डीपनेस में जो भी हमें डीपनेस चाहिए है, पहले हम इसको सीधी लाइन बनाकर, जो हमारा यहाँ से बकरम सीधा नहीं है, इसको लाइन ड्रॉ करके इसको हम कट करके अपने बकरम को हम अपने नेक की लंबाई, चौड़ाई और शेप कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन सबकी कटिंग करने का प्रोसेस और उसको नेक बनाने का प्रोसेस हम इसकी चौड़ाई पर मार्क करेंगे। मैं टॉप के लिए बना रही हूँ, तो मैं इसकी चौड़ाई 4 लूँगी। आप अपने हिसाब से इसकी चौड़ाई कुछ भी ले सकते हैं, प्रोसेस यही रहेगी मार्किंग करने की। और इसकी जो हम डीपनेस ली है, वो मैं 3.5 के करीब लूँगी। 3.5 के करीब ही हमने डीपनेस का निशान लगा लिया है। अब हम इसको मिला देंगे, इस टाइप से मिला दिया तो ये एक बॉक्स टाइप का बन जाएगा। इसमें अच्छे से दिख नहीं रहा है, एक हमारा स्क्वायर बॉक्स बन जाएगा। हम एक इंच एक्स्ट्रा पर मार्किंग कर लेंगे। ये जो हमने स्क्वायर बॉक्स बनाया है, उससे एक इंच एक्स्ट्रा हमें एक और बॉक्स बना लेंगे। इस टाइप से हम इसमें शेप देंगे। इसको पहले हम मिला लेंगे। इस टाइप से हमें शेप देना है। ये इसमें सो नहीं हो पा रहा है अच्छे से, मैं चॉक चेंज करती हूँ। इस टाइप से हम राउंड में शेप दे देंगे। आप जो भी गला अपना बनाना चाहें, उस टाइप से शेप दे सकते हैं। उसकी लंबाई चौड़ाई भी अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन सबके बनाने का प्रोसेस, कटिंग करने का प्रोसेस, मार्किंग करने का प्रोसेस यही रहेगा। हम जो हमने एक्स्ट्रा लाइन बनाई थी, उसमें भी हम इस टाइप का शेप देंगे। तो इस टाइप से हमें राउंड में एक शेप मिल जाएगा। इसको हम कट कर लेंगे। इसमें पहले हम बीच में टच पिन लगा लेंगे, जिससे हमारा कटिंग करते टाइम बकरम बिल्कुल खिसके नहीं। जो हमने शेप दिया था, उस पर हम राउंड में कट कर लेंगे। मैं दिखाती हूँ आपको इस टाइप से। पहले हम बाहर की तरफ से काटेंगे, जिससे हमारा बकरम खिसके नहीं, और इसके बाद हम अंदर में जो हमने मार्किंग की थी, हम उसको काटेंगे। इस टाइप से जो हमने मार्किंग की थी, उस पर हमने कटिंग कर ली है। तो ये मैंने फ्रंट का नेक बनाया हुआ है, जिसकी चौड़ाई मैंने ज़्यादा और डीपनेस कम ली हुई है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये फ्रंट का नेक था। अब हम इसी टाइप से बैक का नेक काटेंगे। ये जो हमारा उसी में से बकरम बचा हुआ था, क्योंकि मुझे जो डीपनेस लेनी है वो बहुत कम लेनी है, इसलिए मैं इसी में से काट लूँगी। पहले हम इसकी सीधा करने के लिए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सेम वही प्रोसेस रहेगी, किसी भी डिज़ाइन में आप काटें, आपको इसी टाइप से काटना है। ये मैंने 2.5 इंच का लिया हुआ है, इसकी चौड़ाई मैंने 4 ही ली है, और जो डीपनेस है वो 2.5 इंच की ली हुई है। और जितनी भी हम डीपनेस लेते हैं, वो हमें एक्स्ट्रा 1/2 इंच लेना चाहिए, क्योंकि वो शोल्डर के सिलते टाइम उसमें चली जाती है, तो हमारी 1/2 इंच कम हो जाती है डीपनेस। तो आप जितना भी लेना चाहें, 4, 5, 6, आप 1/2 इंच ज़्यादा ही लीजिए। हम टच पिन लगा लेते हैं, क्योंकि काटते टाइम हमारा बिल्कुल शेप में कटे। और हम इसको पहले सीधा कट कर लेंगे इस टाइप से। अब हम इसकी पहले बाहर से कटिंग करेंगे। अब हम अंदर की, जब भी हम बकरम में मार्किंग लगाएंगे, हम हमेशा पहले बाहर की साइड से काटेंगे, इसके बाद ही हम अंदर की साइड काटते हैं, क्योंकि अंदर से जब बकरम कट जाएगा, तो हम वो उस शेप में
नहीं काट पाएंगे। इस टाइप से मैंने हमने दोनों नेक काट लिए हैं अपने फ्रंट और बैक। हम इसको आपको अटैच करना बताते हैं। ये दोनों नेक हैं, इसको हम जिस कपड़े पर हमें बनाना है या जिस कुर्ती का बनाना है और उस पर हम अटैच करेंगे। इस टाइप से जो हमारी कुर्ती की कटिंग से कपड़ा बच जाता है या फिर नहीं भी बचता तो कोई और अदर कपड़ा आप ले सकते हैं। इस टाइप से उस पर रखेंगे और हम इधर सिलाई लगा लेते हैं। आप कोई भी कुर्ती का नेक इस टाइप से काट सकते हैं। मैं ये टॉप का नेक काट रही हूँ इसलिए मैंने इसकी लेंथ कम ली है। हम इस पर कपड़े पर रखकर हम इस टाइप से सिलाई इसकी लगा लेंगे। इस टाइप से मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। अब जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है हम इसको इस टाइप से इसमें कवर कर देंगे। चारों तरफ से जो हमने गले का अपना शेप काटा है उस पर इस टाइप से हम इसमें कवर करके सिलाई लगा लेंगे। तो हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। आप अपने नेक की लंबाई चौड़ाई कुछ भी शेप में ले सकते हैं। आप उस शेप को इस टाइप से कपड़े पर रखेंगे और इसी तरह से उसको कवर कर देंगे, सिलाई लगाकर कवर कर देंगे। ये हमारी सिलाई हो चुकी है चारों तरफ से। हम इसका जो इसका सेंटर पॉइंट है इस पर एक कट लगाएंगे ये, और जो हमने अपनी कुर्ती टॉप में लगाना है वो उसको लेंगे और उसका भी जो बीच का सेंटर पॉइंट है वहाँ पे भी हमने एक कट लगाया हुआ था। तो ये दोनों कट को रख के और इसमें हम टच पिन लगा देंगे जिससे हमारा सिलाई करते टाइम कपड़ा बिल्कुल भी नहीं खिसके और बिल्कुल शेप में सिलाई आए। और हम इसके इस साइड से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। ये मैं अपने बकरम के पास से, बकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगाना है, बकरम के पास से इस टाइप से सिलाई लगाती जाऊंगी। ये हमने सिलाई लगा ली है। हम इसका जो हम कपड़ा है बीच से वो कट कर देंगे, थोड़ा सा मार्जिन रखेंगे और आराम से इसको कट कर देंगे। अब हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। ये कट आपको ज़रूर लगाना है, ये गले में हमारी फिनिशिंग अच्छी आती है इससे। अगर कट नहीं लगाएंगे तो गला उतना अच्छा नहीं बनेगा। हमने कट लगा लिए, हम इसको इस टाइप से फोल्ड करेंगे। ये हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये हमने रख दिया है, हम इस पर सिलाई कर देंगे। जब भी हम अपना गला बनाएंगे तो जो हमारी कुर्ती का फ्रंट पार्ट है उस पर बकरम रख के सिलाई करते हैं क्योंकि वो पलटने के बाद अंदर चला जाता है और हमारा गला सेट हो जाता है। तो जो हमारा प्रिंट वाला फ्रंट हिस्सा होता है जिस पे प्रिंट या साइनिंग रहती है हम उस पर बकरम रख के अटैच करते हैं। हम इससे पतली पतली सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है, देखिए हमारा नेक बन गया है। हम इसके नीचे यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो सुई धागा से भी इस पर पतले पतले टाँके लगा सकते हैं। मैं इस पर सिलाई लगा रही हूँ उल्टी तरफ रखे इस तरफ हम मैं इस टाइप से इसमें सिलाई लगाऊंगी। जो हमने स्टार्टिंग में बकरम पर जो ड्रॉ किया था वो अच्छे से दिख नहीं रहा था तो मैं सबसे लास्ट में आपको एक कागज़ शीट पर, पेपर शीट पर उसको ड्रॉ करके बता दूंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये हमारा नेक रेडी है, ये देखिए। अब इसी टाइप से ये जो ऐसे हमने बनाया है इसी टाइप से हम इसका बैक का नेक भी बना लेंगे। इस टाइप से हम
कपड़े पर रखेंगे और इसमें सिलाई लगा लेंगे। इसको भी हमें उसी टाइप से बनाना है जैसे हमने फ्रंट का नेक बनाया था। ये हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे, थोड़ा सा मार्जिन के लिए छोड़ देंगे और फिर इसको कवर कर देंगे। इसको हमने कवर कर दिया है। कोई भी नेक आप बनाते हैं इसी प्रोसेस में बनेगा। अब इसको हम सेंटर में कट लगा लेंगे और हम अपनी कुर्ती के फ्रंट पार्ट पर इसको इस टाइप से रखेंगे जी। और फिर इसको भी हम टच पिन से अटैच करके इसके भी बकरम के पास से इस टाइप से सिलाई लगा लेंगे। इसकी लेंथ हमने और भी कम ली थी, 2.5 इंच ली थी। इसी टाइप से आप जैसे नेक बैक नेक बड़ा रखना चाहते हैं डीपनेस, तो उसकी लेंथ भी बड़ी लेंगे और इसी टाइप से उसको बनाएंगे। इसमें भी हम बकरम को पलटकर इस टाइप से फ्रंट साइड से इसमें सिलाई लगा लेंगे, पतली पतली सिलाई लगा लेंगे। इसके भी यहाँ पर हम डबल से सिलाई लगा लेंगे। ये हमने अपने ये बैक का नेक है, जो भी एक्स्ट्रा धागा निकलता है उसको हम कट कर देंगे। इस टाइप से ये हमारा बैक का नेक है और ये हमने पहले फ्रंट नेक बना लिया था। ये हमारा फ्रंट है, दोनों सेम प्रोसेस में बनेंगे। अब मैं इनको इसके शोल्डर जोड़ना बताती हूँ आपको। हम दोनों कुर्ती के पार्ट को लेंगे, फ्रंट पार्ट दोनों का अंदर तरफ रखेंगे और इस टाइप से दोनों को रख के यहाँ पर हम इसके शोल्डर, यहाँ पे हम पहले रिवर्स स्टार्ट करेंगे इस टाइप से। और हम दूसरे साइड के शोल्डर भी जोड़ लेंगे। ये हमारा नेक बन गया है और ये देखिए हमें इस टाइप से अपना नेक बनाना है। हम किसी भी डिजाइन में इसको बना सकते हैं, इसी टाइप से बनेगा। ये देखिए फ्रेंड्स जो हमने अपना नेक बनाया था। आपको अपने नेक की जो भी लेंथ ब्रिथ डिजाइन लेनी है आप वो बकरम पर उसको काट लें और फिर इसी टाइप से अटैच कर लें आपकी कुर्ती पर। इससे आप बनाओगे आपकी बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी और नेक भी बहुत अच्छा बनता है। अब हम आपको इसमें स्लीप अटैच करना बताएंगे। स्लीप हमने पहले से ही कट करके रखी हुई हैं तो मैं दिखाती हूँ। जो हमने स्लीप के सेंटर में एक कट लगाया हुआ है, इसका शोल्डर का जो जॉइंट है उस पर हम रखेंगे और हम स्लीप में कर्व देते हैं आगे की साइड, थोड़ा एक्स्ट्रा काटते हैं आर्म होल को, तो हम उसको फ्रंट साइड जॉइंट करेंगे। ये हमें एक दो चीज़ ध्यान रखनी है जिससे हमारी स्लीप भी अच्छी जॉइंट हो और बेयर करने पे भी उसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आए। तो आपको स्लीप जॉइंट करने में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस उसका जो सेंटर पॉइंट है वो शोल्डर के जॉइंट पे आना चाहिए और जो हम शेप देते हैं स्लीप में आर्म होल का उसको हमें फ्रंट साइड करना है। ये हमें ध्यान देना होगा और हमें स्लीव में के आर्म होल में जो हम एक्स्ट्रा कट करते हैं शेप देते हैं उसको भी ज़रूर देना है। ये मैंने एक साइड से स्लीप लगा ली है। हम सेंटर से स्लीप अटैच करना चालू करेंगे जिससे हमारी जो कपड़ा है वो ऊंचा नीचा नहीं होता और बिल्कुल परफेक्ट जॉइंट होता है। ये मैंने सेंटर से पहले एक साइड जॉइंट कर ली थी। अब हम शोल्डर से फिर से सिलाई स्टार्ट करेंगे और इसको लास्ट तक ले जाएंगे। दोनों कपड़ों को, जो हमारा स्लीप का कपड़ा है और जो इस साइड से कुर्ते का आर्म होल है, इन दोनों को एक के ऊपर एक रख के हम जॉइंट करते जाएंगे।
ये हमने स्लीव जॉइंट कर ली है। ये देखिए इस टाइप से हमने अपनी स्लीव जॉइंट कर ली है। इसी टाइप से हम अपनी दूसरी साइड भी जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए हमने दोनों साइड की स्लीव जॉइंट कर ली है। आज मैंने आपको इस वीडियो में नेक बनाना और स्लीव जॉइंट करना बताया है। तो हम इस टाइप से अगर नेक बनाते हैं, स्लीव जॉइंट करते हैं, तो हमारी कुर्ती एकदम परफेक्ट नाप से बनेगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको ये पेपर शीट पर नेक काटना बताऊंगी। ये मैंने इसको डबल फोल्ड लिया हुआ है। जो हमें डबल फोल्ड में इसकी चौड़ाई लेनी है, वो हमें अपनी जो भी नेक की चौड़ाई रखनी है उससे 1 इंच ज़्यादा लेनी है। जैसे मुझे 4 चौड़ाई रखनी है तो मैंने 5 इंच का ये लिया हुआ है बकरम, जिससे हमारा बकरम वेस्ट नहीं होगा और प्रॉपर नेक भी कट जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई पर मार्क करेंगे। ये वाली जो हमारी लाइन है ये बिल्कुल सीधी होना चाहिए बकरम की। इसके बाद हमें इसकी जो चौड़ाई लेनी है, जो मैं नेक बना रही हूँ, उसकी चौड़ाई हमने 4 पर मार्क करेंगे इस टाइप से। और ये हमने चौड़ाई पर मार्क कर लिया है। अब हम इसकी डीपनेस पर मार्क करेंगे। डीपनेस मुझे इसकी 3.5 ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी है उसको ले सकते हैं। ये हमने डीपनेस पर मार्क कर लिया। अब हम इसको ज्वाइंट कर देंगे इस टाइप से। जो हमें अपनी चौड़ाई की मार्किंग लेनी है, वो हमें इसके बंद पार्ट से, जो हमारा ये क्लोज है, उस वहाँ से हम इसकी चौड़ाई भी मार्किंग देंगे, जिससे खुले पर ये पूरा नेक बन जाए। इसके बाद जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था उस पर हम मार्क कर लेंगे। ये यहाँ पे आ जाएगा और नीचे भी 1 मार्क कर लेंगे इस टाइप से ये। और इसके बाद हम इसको मिला देंगे। एक लाइन हम इस पर जो अपना मार्क किया है किनकर, ये ड्रॉ कर देंगे। और दूसरी तो जो हमने बकरम ही उतना लिया था, तो हमारा ये है। इस टाइप से हमें ये 2 बॉक्स मिल जाएंगे, एक ये एक ये। हम इसको शेप देंगे, हम इसको शेप इस टाइप से देंगे। ये मैं राउंड शेप में बना रही हूँ। आप अपनी कुर्ती के हिसाब से जो भी शेप देना चाहें उसको दें। जो हमें नीचे वाला शेप देना है वो भी हम यहीं से देंगे और इसको इस टाइप से, जहाँ से हमने ये दिया है, और इसको हम लोग कट कर देंगे। कट करते टाइम हम इसमें टच पिन अटैच कर लेंगे, जिससे हम जब भी हम बकरम काटेंगे तो ये हमारा बकरम ऐसा खिसकेगा नहीं। तो हम इसकी दोनों जगह टच पिन यूज़ करेंगे इस टाइप से। और हम कटिंग इसकी पहले बाहर से करेंगे। डिस्टेंस जो मैंने ली है, ये भी आप अपने डिजाइन के हिसाब से इसका चौड़ा या लंबा ले सकते हैं। और हम इसको अब अंदर से कट करेंगे। पहले हमें बाहर से कट करना है और अंदर से कट करेंगे। जो हमने अपनी मार्किंग की थी उस पर ही कट कर लेंगे। इस टाइप से ये हमारा नेक बन गया है। देखिए ये हमारा नेक गया है। आप किसी भी टाइप का नेक इस टाइप से मार्क करके बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।